तो साथ में हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं SBT 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में खासी वो सर्दी का मौसम चल रहा है और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, तो इस टाइम पे लोगों को सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, तो वहाँ पे वो कौन से सिरप का प्रयोग करें जिससे उनको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सके और उस सिरप के प्रयोग से उनको कोई साइड इफेक्ट भी देखने को ना मिले। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो गया है और बुखार भी आ रहा है तो वहाँ पर आपको कौन सी दवा का कौन से सिरप का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो इसमें आपको जो दवा लेनी है वो भी आपको बताएंगे, जो सिरप लेना है वो भी आपको हम बताएंगे। तो अगर आपको गीली खांसी आ रही है यानी खांसी के साथ में अगर आपको बलगम आ रहा है तो वहाँ पर आपको लेना है अस्थाकांड एलएस सिरप का। अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में, 10 ml शाम को, तीनों समय प्रयोग करना है। जो दवा का प्रयोग करना है इसमें आपको लेना है सिनारेस टैबलेट और लेना है नोबेल 100, जनफ्लाग 200 और बेटनी सॉल्ट टैबलेट। इन चार टैबलेट का सुबह शाम में आपको प्रयोग करना है और जो सिरप है इसका आपको तीनों समय प्रयोग करना है, सुबह दोपहर शाम में। तो इसके प्रयोग से आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी, बुखार भी ठीक हो जाएगा और जो आपको बलगम आ रहा था वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जल्द देखने को मिलेगा। प्लस अगर आपका गला बैठ गया है, फिर आपको जकड़न है तो वहां पे भी काफी अच्छा जल्द देखने को मिलता है। तो अस्थाकांड एलएस सिरप आपको सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसका 86 रुपीज इसका MRP है प्रेजेंट टाइम में, जिस टाइम पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इसको मेडिकल स्टोर से खरीद लीजिए। अगर आपको सर्दी जुकाम और बुखार भी सर दर्द भी हो रहा है तो आप सिनारेस्ट, नोबेल 100 और उसके साथ में आप जनफ्लाग 200 और बेटनी सॉल्ट टेबलेट को ले लीजिए, सुबह शाम में प्रयोग करें। इससे आपकी सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो सिरप है इसका प्रयोग आपको 3 से 4 दिनों तक या फिर 5 दिनों तक करना है। इसके प्रयोग से आपकी खांसी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो सूखी खांसी में अस्थाकांड एलएस नहीं काम करता है, तो वहां पे आपको लेना पड़ेगा अस्थाकांड डीएक्स सिरप। तो मैं सूखी खांसी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से दवा का आपको प्रयोग करना है अगर आपको सूखी खांसी आ रही है। तो बाकी अगर आपको गीली खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, तो हमने जो आपको सारी दवाएं बताई हैं इनका प्रयोग करें। इनके प्रयोग से आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ों का इसमें अवॉइड करना है। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इसका प्रयोग ना करें, और उसके साथ साथ में जिनकी उम्र 18 साल से कम की है वो लोग इसका प्रयोग ना करें, दवा का सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों का इसमें अवॉइड करना है आपको। तो ठंडा जो है खाना नहीं खाना है, प्लस जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं जैसे दही हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इन सारी चीज़ों का आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, चावल का प्रयोग नहीं करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो उसका भी प्रयोग कम कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है नहीं तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए, और जो हमने आपको दवाएं बताई हैं इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपकी जो सर्दी जुकाम, बुखार और आपको खांसी आ रही थी वो भी आपकी जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और मार्केट में बहुत सारे जो हैं सिरप और दवाएँ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो उससे आपका जो बुखार है, सर्दी जुकाम है, वो धीरे धीरे करके रिकवर होता है। बट अगर आप इन सारी दवाओं को जो हमने आपको बताई है इनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और साथ साथ में आपको कोई आपके बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इसका प्रयोग ना करें। बाकी सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है सभी लोग इन दवाओं का, उन सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया जो जानकारी हमने आपके साथ में ना शेयर की हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।